फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही अच्छी और चटपटी चटनी होती है और आप इसको 2 चम्मच दही से आप इतनी अच्छी चटनी और टेस्टी चटनी बना सकते हैं। ये राजस्थानी और मारवाड़ी लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसको आप कभी भी खा सकते हैं और इसको रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत चटपटी होती है। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 2 प्याज और ये लिया है मैंने 10 से 12 गार्लिक और ये हींग लिया है और जीरा और कलौंजी, ये चीज़ें चाहिए हमको बनाने के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने गार्लिक लिए हैं उनको हम यहाँ पे कूट लेंगे, ऑनियन को चॉप कर लेंगे, ये मसाले ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे दही। दही हमारा अच्छा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अब दही के अंदर हम मसाले मिला लेंगे। मसालों में हम यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर मिला रहे हैं, धनिया जीरा पाउडर है ये, और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। यहाँ पे लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ और 1 स्पून है, हाफ हाफ मैंने 2 बार लिया। ये गरम मसाला 1 स्पून है और यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं यूज करती हूँ इसलिए मैंने नहीं यहाँ डाला है और बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मैंने साल्ट का यूज किया है, साल्ट यहाँ पे मैंने सेंधा नमक यूज किया है। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है मैंने ऑयल। ऑयल में मैंने यहाँ पे जीरा और कलौंजी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसको चटकने के बाद यहाँ पे मैंने जो कूट के गार्लिक लिया है आप चॉप करके भी ले सकते हैं, और यहाँ पे डाला है मैंने पिंच ऑफ हींग। तो यहाँ पे उसके बाद हमने जो चॉप किए ऑनियन लिए हैं वो मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसे हमें भून लेना है। और भूनना इतना है इसका कलर ब्राउन हो जाए ऑनियन का, बहुत अधिक लाल नहीं करना है हमको यहाँ पे। और उसके बाद इसको चलाते हुए हमें भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको चलाते हुए भून ले रही हूँ। जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और अब ये भून चुका है प्याज। तो अब यहाँ पे हम जो दही के अंदर मसाले ऐड करके लिए थे तो वो मसाले अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से इतना हमें इसका कलर रखना है। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे अपने जो मैंने मिला के रखा है मसाले वो यूज करेंगे। यहाँ पे गैस एकदम स्लो कर देंगे हम, क्योंकि दही है तो दही फटने का होता है डर, इसलिए आप इसको यहाँ पे कम कर सकते हैं गैस को। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब मिला दिया है। अब कंटिन्यूस चलाते हुए हमको इसको कंटिन्यू स्टिर करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि और गैस की फ्लेम हमें कम ही रखनी है, नहीं तो फट सकता है दही है तो। तो इसे कंटिन्यू हिलाते हुए हमें तब तक करना है जब तक कि ये अच्छे से इसमें एक बॉयल सा उबाल सा नहीं आने लगे, तब तक हमें इसी तरह से स्टिर करना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है, बस 10 मिनट में बन जाती है। और आप सोचेंगे हम 10 मिनट बोल रहे हैं लेकिन टाइम लगा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्योंकि हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती है कि प्रोसेस, तो इसलिए टाइम लगता है दिखाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब एक बॉयल सा आ गया है, मींस कि अब हम इसको नहीं स्टिर करेंगे तो भी चलेगा। अब ये देखिए गैस, ये कलर इसका ऐसा, अगर यहाँ पे आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किए होते तो एकदम रेड कलर आता। और अब ये इस स्टेज पे आ गया है कि हमारी चटनी चटपटी रेडी हो चुकी है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि फ्रेंड्स एक बार अगर आप बनाएंगे तो बार बार बना के खाना चाहेंगे। और बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बहुत सब्जियाँ खाने का भी मन नहीं होता है, कुछ ऐसा चटपटा हो तो ही अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर एक बाउल में मैं सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी ये चटनी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चटनी मेरी रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी बनी है और बहुत चटपटी बनी है। और अगर आपके पास यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप उसको डाल लेना ताकि कलर और अच्छा आएगा। मैं नहीं यूज करती इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी
अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना आप और फ्रेंड्स फैमिली में। और आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं झटपट, अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो भी आप इसको बना के खा सकते हैं, एकदम अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपकी लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।